जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की तमाम सारी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट साथ ही विद्यार्थी जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से। यहां पर आप देख सकते हैं बीकॉम की प्रवेश परीक्षा में आस्था ने किया टॉप, बीएससी होम साइंस में जिया ओझा अव्वल, जारी किए गए प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीकॉम की टॉपर आस्था सिविल सेवा में जाना चाहती हैं, साथ ही बीएससी में प्रवेश ले चुकी हैं जिया ओझा। इसके साथ ही साथ हम बात करें अगर अगली अपडेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजगार से जुड़े टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं महबूब अली इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। विद्यार्थी परिषद ने बृहस्पतिवार को एक कोचिंग पर प्रतियोगी छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। तो वही अगली खबर संबंधित है यूपी बोर्ड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा के एक माह बाद भी रिजल्ट का इंतजार। यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा का नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होना था रिजल्ट, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें कुछ भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता सहित विभिन्न पदों पर जो रिक्तियां वो निकाली गई है। 399 पद पर यह भर्ती आ रही है और यहाँ पर आप एज लिमिट भी देख सकते हैं कि 40 साल तक वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और बाकी की डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि रेलवे में अप्रेंटिस का भी यहाँ पे अवसर है और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1664 पदों पर ये भर्ती है। इसके साथ ही साथ हम बात करें अपने अगली महत्वपूर्ण खबर की, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का आज जारी होगा रिजल्ट और यहाँ पे 1894 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को आयोजित हुई थी परीक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुधवार को परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से जारी की गई थी अंतिम उत्तरमाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 287,365 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है मतलब ये खुशखबरी निकल के आ रही है कि आज जो इसका परिणाम होगा वो घोषित कर दिया जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बुधवार को इसकी आंसर की भी घोषित हो चुकी थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का जो परिणाम है वो आज जारी होगा। तो ये यहाँ पर जो बड़ी घोषणा है ये की गई है पीएनपी की तरफ से। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुदेशक की भर्ती में इंटरव्यू की जगह अब केवल लिखित परीक्षा पर होगा प्रवेश। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग की लंबित भर्तियां आगे बढ़ाने का फैसला वर्ष 2015 व 2016 में 852 यहाँ पर जो पद हैं उनके लिए मांगे गए थे आवेदन। पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना भी जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जा करके अनुदेशक की भर्ती का जो पूरा शेड्यूल है वो जारी किया गया है और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो अब इसका इंटरव्यू है उसको खत्म कर दिया जाएगा और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो यहाँ पर चयन होगा वो होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती के लिए आज से शुरू होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं। 9534 पदों पर भर्ती के लिए 12,37,000 अभ्यर्थियों ने किया था ऑनलाइन आवेदन और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आज से 14 केंद्रों पर शुरू होंगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 नवंबर 2021 यानी आज है विश्व निमोनिया दिवस, आप सभी को इसको भी याद कर लेना होगा। अब इसके बाद बात करेंगे टीजीडीपीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में। जैसा कि आप सभी लगातार जो है वो पूछते रहते हैं कि टीजीडीपीटी 27,000 नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, जारी होगा भी या नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो लगातार छात्रों का प्रयास है वो जारी है। इसके पहले भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, यहाँ पर आप सभी उसकी जो है इमेजेस वगैरह देख सकते हैं कि चयन बोर्ड पर छात्रों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था और जिसके संबंध में ये जानकारी मिली थी कि 20 तारीख को यहाँ पर जो मीटिंग होगी 27,000 नई टीजीडीपीटी अधियाचन के संबंध में और उसके बाद अधियाचन के लिए जो है पोर्टल खोल करके अधियाचन मंगाए जाएंगे और इसमें जरा सा भी विलम्ब ना हो इसीलिए बैक टू बैक जो छात्रों का धरना प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए 16 नवंबर 2021 को एक बार फिर से अब तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन होने जा रहा है। तो आप सभी इसमें जरूर से जरूर जो है वो भाग लीजिएगा ताकि चयन बोर्ड और सरकार पे जो दबाव है वो लगातार बरकरार रहे और जिससे जल्द से जल्द जो टीजीडीपीटी 27,000 नई भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।